वेलकम टू माय चैनल लव गार्डन। आज मैं जो आपको प्लांट दिखा रही हूँ उसका नाम है जेरेनियम फ्लावर प्लांट। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। वैसे तो ये एनुअल प्लांट है, ये डिपेंड करता है कि आप किस जोन में रहते हैं। जेरेनियम को ब्लूमिंग करने के लिए 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड डे में और नाइट में 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसलिए इंडिया में ज़्यादातर एरिया में ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट को वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल पसंद है और इसमें ही ये ग्रो करता है। सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए। इसे 6 या 8 आवर्स की सनलाइट की नीड होती है। बहुत ज़्यादा कोल्ड होने पर इसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। जेरेनियम प्लांट को ग्रो करना बहुत ईजी है। इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। फ्लावर एक साथ गुच्छों में आते हैं। इसमें पिंक, वाइट, रेड, ऑरेंज और सडेड फ्लावर आते हैं। जेरेनियम का ब्लूमिंग टाइम होता है नवंबर से लेकर मई तक। समर या अर्ली फॉल में इसे इंडोर में रखना चाहिए। इसे सबसे ज़्यादा नुकसान बारिश के पानी से होता है। इसमें फंगस जल्दी अटैक करता है और इसे अगर आप बरसात के दिनों में बचा सकते हैं तो ये एनुअल प्लांट की तरह बना रहता है। विंटर में इसे बहुत कम वाटरिंग करनी चाहिए। इसके स्पेंट फ्लावर को डेड हेड को निकाल देना चाहिए। फ्लावर को प्लांट को बुशी बनाने के लिए इसकी पिंचिंग भी करनी चाहिए। फर्टिलाइजर इसको 2 वीक में देने चाहिए। जो आप हैंगिंग बास्केट में प्लांट देख रहे हैं ये आईवी लीफ जेरेनियम है जो हैंगिंग बास्केट में लगाया जाता है। विंडो बॉक्सेस और कंटेनर में भी ये लगाया जाता है और ये बहुत पॉपुलर वेराइटी है। जेरेनियम की कॉमन प्रॉब्लम होती है लो लाइट और ओवर या अंडर वाटरिंग की। जब लिप्स येलो पड़ने लगती हैं तो इसमें पानी की कमी होती है। जेरेनियम को कटिंग से इजली लगाया जाता है। इसके लिए शार्प क्लीन नाइफ लेकर 4-5 इंच की स्टेम कटिंग करके टिप्स से इसकी 2-3 लिप्स नीचे से निकाल कर इसको किसी भी रूटिंग हॉर्मोन्स में डिप करके और फिर इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में कोकोपीट और परलाइट के मिक्सचर में इसको रख देना चाहिए। 1 हफ्ते बाद इसे डायरेक्ट सनलाइट में ला सकते हैं। मैंने 2-3 कटिंग लगाई है और वो उसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इसमें फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है इसलिए इसे किसी भी फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहना चाहिए। आप जो ये देख रहे हैं ये कटिंग से लगाए गए प्लांट है और लगभग सभी कलर के प्लांट मेरे पास है। इस तरह से अगर इन्हें प्रॉपर सॉइल, सनलाइट और वाटरिंग की जाए तो इस प्लांट में हैवी फ्लावरिंग होती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। मेरे चैनल लव गार्डन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।